मेरी प्यारी प्यारी और खूबसूरत ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, ज़िंदगी में हमारे पास एक चीज़ की तो कमी नहीं है बिल्कुल भी, स्ट्रेस। काम का स्ट्रेस, बाई जी नहीं आई तो घर के झाड़ू पोछे का स्ट्रेस, बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो उसके मार्क्स कम आए तो उसका स्ट्रेस, इवन किसी ने कुछ कह दिया तो उसका स्ट्रेस। तो इसको कम किस तरह से किया जाए, क्योंकि लाइक आप तो देवी है ना, जगदम्बा माता है, 8 हाथ आपके हैं ना, सब कुछ आपने अपने ऊपर लिया है, सब कुछ अपने कंधों पर उठा रखा है आपने। अगर मैं बहुत काम करूंगी ना तो घर में सब लोग बहुत खुश रहेंगे मुझसे, यही सोच रहती है हमेशा। तो आज हम बात करेंगे, आज मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे पॉइंट जिससे कि हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस है उसको किस तरह से कम करें। देखिए, मैंने ये बातें अपनी लाइफ में अपनाई है, अगर आप भी अपनाएंगे तो खुश रहेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि एक सबसे पहले तो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपकी लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है, आप किसको खुश रखना चाहती हैं। आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स, आपके कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कुछ रिश्तेदार। और उस लिस्ट के अंदर देखिए, सबसे पहले ऐसा जितनी भी जो भी आप लिस्ट बनाइए ना, उसके अंदर से सपोज 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग, कुछ भी हो सकते हैं, उसमें से कितने लोग आपको खुश देखना चाहते हैं। जो लोग आपको खुश नहीं देना देखना चाहते, आपको लगता है उनके नाम तुरंत काट दीजिए, उसमें से लिस्ट छोटी हो जाएगी। कम लोगों को खुश रखना बहुत आसान होता है, ज़्यादा लोगों को खुश रखना जो है मुश्किल होता है। कंपैरेटिवली कम लोगों को खुश रखना आसान है, तो अपनी ज़िंदगी को आसान बना लीजिए आज से और अभी से। जो सेकंड पॉइंट आ जाता है माय डियर फ्रेंड, जो सेकंड टिप आ जाता है वो है, मैंने अपनाई है, ना कहने की आदत सीख लीजिए। अगर आप हमेशा हर एक किसी को हाँ 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 बोलती रहेंगी, अरे मैं वहाँ थोड़ा बाहर जा रही हूँ, मेरे बच्चे को रख लोगी थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, परेशान हो जाओगे, या फिर तुम यार आज मेरी बेटी आएगी स्कूल से, उसको खाना खिला दोगी, या तुम मेरे यहाँ पार्टी है यार, तुम एक मेरे यहाँ पनीर की सब्जी बना के भेज दोगी। ये चीज़ देखिए शुरुआत है आपकी, कोई चीज़ लेने भी मांगने की भी आई, कभी भी घंटी बजा दी, यार तुम्हारी वेइंग मशीन दे दो ज़रा, तुम्हारी प्रेस मिल जाएगी थोड़ी देर के लिए, मेरी प्रेस ख़राब हो गई है। देखिए, जब तक आप लोगों को ना नहीं बोलेंगे ना, तब तक लोग आपको परेशान करते रहेंगे। एक दो बार आपने अगर ना बोल दिया तो वो आपको देखिए डेली जो आपकी जो ये डेली की मुसीबत है ना, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर वाकई में ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं ना तो ना बोलना सीख दीजिए। अगर एक और एग्जांपल देती हूँ, सपोज करिए आपके आपके हस्बैंड जो है वो आपको लाइक उनको कुकिंग का बहुत शौक है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आपका कुकिंग का शौक नहीं है, आपको जो है आप एंटरप्राइजिंग है, आपको अपना लाइक अर्निंग का शौक है, कोई और चीज़ का शौक है, लाइक अपनी हॉबीज के ऊपर शौक है, आपको डांसिंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, वॉट एवर। अब वो आपको बोलेंगे क्या तुम मेरे को गाजर का हलवा बना के खिला दोगी, अब आप सोचोगे यार मैं बनाऊंगी तो सब घर में खुश हो जाएंगे, और आप पूरे दिन पछती रहोगी, और पर खाने के बाद भी मज़ा नहीं आएगा, यार इतना अच्छा नहीं बना तो इससे अच्छा क्यों बनाया जाए। यार जोमेटो स्विगी बहुत सारे हैं, कहीं से भी मंगा के दे दो, उनको मज़ा भी आ जाएगा, उनको स्वाद भी मिल गया, और वाह आपका काम भी हो गया। जो काम जितना काम खुद कर सकती हैं उतना ही करिए, हमेशा मैं कहती हूँ हाउस होल्ड मेड जरूर रखिए, डोमेस्टिक सर्वेंट जरूर रखिए, उससे बहुत बड़ी हेल्प रहती है। जो काम आप कर सकती हैं वो करिए, बाकी का आगे पास ऑन कर दीजिए। जगदम्बा माता मत बनिए, आपके 8 हाथ नहीं है, और आप अगर जितना काम का स्ट्रेस लेगी लोग उतना आपके ऊपर डालते चले जाएं। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए वो करिए जो काम आपको खुशी देते हैं, सपोज आपको डांस करना खुशी देता है वो करिए, आपको पेंटिंग खुशी देती है वो करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कमाना अच्छा लगता है, अर्निंग का शौक है आपको, तो आप अपना खुद का कुछ छोटा काम घर बैठे बैठे भी शुरू कर सकती हैं। जो काम आपका स्ट्रेस रिलीव करता है, चाहे वो एक गाना ही सुनना हो पुराना, वो काम करिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस जो है वो आपका कोई दूर नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपके खुद के हाथ में, सिर्फ आप अपने दिल दिमाग की सुनिए। लोग बिना मांगे आपको सलाह देने चले आएंगे, ये कर लो वो कर लो, और वो आपकी टेंशन बढ़ाती है वो चीज़ें। मैं हमेशा सुनती सबकी हूँ, करती वही हूँ जो मुझे खुद अच्छा लगता है, जो मुझे सुकून देता है, तो आपको भी इसी तरह का बनना पड़ेगा। देखिए, केयर फ्री एटीट्यूड नहीं रखोगे ना अगर, बाय द वे, तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं रह पाओगे। केयरिंग 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 केयर केयर करके यार खुद के दिमाग का तो दही बना पड़ा है, आपकी खुद की लाइफ तो कहाँ जा रही है वो तो देखो पहले। जो चीज़ करना चाहती हैं उसके लिए हाँ बोल दीजिए, जो चीज़ नहीं करना चाहती है ना उसके लिए सुनिए सबकी और करिए मन की। सुन लीजिए बात, कोई दिक्कत नहीं है, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करिए वही जो आपको खुद को अच्छा लगता है। दुनिया की चिंता, दुनिया के बारे में सोचना बिल्कुल कम कर दीजिए, अपने दिल दिमाग से टेंशन निकाल दीजिए। देखिए, लोग कुछ तो कहेंगे, उनका काम तो कहने का है ना, आप अच्छा करेंगे बुरा करेंगे कुछ ना कुछ तो जरूर कहेंगे। अगर आप कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करेंगे ना तो भी उसके अंदर 10 बुराइयां नजर आएंगी, ये क्यों कर लिया, तुम तो पहले ऐसी नहीं थी, तुम तो बहुत बदल गई हो। अरे बदल गई हो बट इट इज़ गुड ना, चेंज, यू आर चेंजिंग फॉर द बेटर, यू आर चेंजिंग फॉर योर बेटरमेंट, लेट इट बी। कई औरतें तो बेचारी इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन में मर जाती हैं कि आज मैंने अगर जीन्स पहन ली तो मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, अगर मैंने आज लॉन्ग स्कर्ट पहन ली तो मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, और आपके ससुराल वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सर ढक के रखो पूरे टाइम, वो कर लेती हो आप,
करती जाती हो करती जाती हो, फिर आपको बोलते हैं कि भैया तुम साड़ी नहीं पहन, तुमने सूट क्यों पहने, साड़ी पहन, साड़ी पहने रखती हो, उसके बोलते फिर सर पे पल्ला रखो, पल्ला रख लिया, फिर जी घूंघट रख दो। धीरे 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 देखिए एक्सपेक्टेशंस के बोझ को आप कम नहीं कर सकते, जितना फुलफिल करते जाओगे उतनी आपसे बढ़ती चली जाएंगी। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर एल्सवेयर। जिन लोगों को आपको परेशानी होती है आपके रहना रहन सहन से, आपके पहनावे से, आपकी बोलचाल से, वो खुद भी करना वही चाहते हैं, लेकिन आप उनकी टेंशन ले रहे हो मैं ये कर लूंगी तो वो क्या सोचेगा, अगर आज मैंने अगर बाय द वे ये काम नहीं किया तो क्या वो सब मुझसे नाराज हो जाएंगे, अरे भाई आप सारे काम कर लो लोग आपसे खुश हो जाएंगे, बिल्कुल भी उम्मीद मत करना इस बात की, खुश करने के लिए मैं ये कर लेती हूँ यार, वो कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, सब खुश हो जाएंगे, कोई आपसे खुश होने वाला नहीं। बाद में देखिए करेंगे तो कमियाँ निकालेंगे, नहीं करेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं किया, ये कुछ नहीं करती है, तो दोनों केस में कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही ना, लोगों का काम तो कहने का है, तो उनको कहने का मौका दीजिए ना, आराम से बोलने दीजिए जो बोलना चाहते हैं, कम से कम यू हैव टू बी हैप्पी एट एनी कॉस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा याद रखिए, जो करता है उससे करवाते हैं, जो सुनता है उसे सुनाते हैं। घर का काम करोगी और ये गलत कर दिया, तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, सब्जी में तुमने नमक ज्यादा डाल दिया, रोटी अच्छी नहीं बनी, जल गई, नहीं करोगी तो यही तो बोलेंगे नहीं करती, कुछ नहीं करती, बोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो कम से कम आपके दिल दिमाग को तो शांति रखी रहेगी ना, अपने दिल दिमाग को शांत रखने के लिए वही करिए जो आपका खुद का दिल कहता है। जिंदगी इतनी लंबी नहीं है इसलिए इतनी टेंशन ना लो, जिंदगी को अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से और अपने हिसाब से जीने का और किसी की नहीं सुनने का। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग बींग अ वुमेन। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिए, किसी और के काम की लगती है तो शेयर कर दीजिए, और मेरी इस प्यारी सी बींग अ वुमेन फैमिली को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग बींग अ वुमेन, नमस्कार।